मध्य प्रदेश के कई जिलों से लगातार उठ रही मांग को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंजूरी मिल गई है। मोहन सरकार ने राज्य के बड़े जिलों की सीमाएं नए सिरे से तय करने का फैसला किया है, जिसके लिए एक आयोग का गठन भी किया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बड़े जिलों की सीमाएं तय करने का फैसला किया है। इस कवायद के तहत एक आयोग का भी गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व अधिकारियों को दी गई है। जनता से इसके लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। कई जिलों और संभागों की सीमाएं नए सिरे से तय होंगी। इसे लेकर मोहन यादव ने पूर्व एसीएस अधिकारी की अध्यक्षता में नया परिसीमन आयोग तैयार किया है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को राज्य में नए परिसीमन आयोग के गठन का ऐलान किया है। जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज्यादा है या कई विसंगति पूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए, ऐसे कई विसंगति पूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। तो संभाग, जिले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी। सीएम मोहन यादव ने अपने बयान के दौरान कहा कि हमने अपनी सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान आकर्षित करते हुए विचार किया। प्रदेश के जिलों और संभागों में कई विसंगतियां हैं। प्रदेश में जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की सीमाएं कम ज्यादा और विसंगतिपूर्ण हैं। सीएम मोहन यादव द्वारा परिसीमन का आदेश जारी करने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि सीमांकन राजनीतिक नहीं होना चाहिए। परिसीमन जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति से होने वाली प्रक्रिया है, हर 10 साल में होता है। मैं मानता हूं कि अगर ये सरकारी एक व्यवस्था है, कर रही है तो करना चाहिए, पर इसमें राजनीतिक दुराभाव या नफरत या घृणा नहीं होनी चाहिए, और होना चाहिए बुरा नहीं। मोहन सरकार ने ये परिसीमन ऐसे समय में किया है जब प्रदेश में लगातार नए जिलों के गठन की मांग तेज हो रही थी, और सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद अब जल्द ही तमाम जिले जो सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते थे उनको भी लाभ मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।